हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी लिटिल गार्डन। और कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे एनुअल क्राइसेंथेमम की। तो देखिए दोस्तों, ये विंटर गार्डन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और बहुत सारे कलर्स में ये आपको मिल जाएंगे। मल्टी पेटल्स और सिंगल पेटल्स वाले ये फ्लावर्स होते हैं और कलर्स इनमें शेडेड कलर भी होते हैं और सिंगल कलर्स भी होते हैं, जैसे वाइट, येलो, ऑरेंज। मैंने ये कलर देखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप गूगल में सर्च करें तो इसके काफ़ी सारे कलर्स हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके जो सीड हैं वो बहुत जल्दी जर्मिनेट भी हो जाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत ये लगते हैं। और इनकी लीव्स देखिए दोस्तों, किस तरीके से ऐसे छोटी छोटी सी लीव्स और बिखरी हुई सी लीव्स इनकी होती है। तो ये देखिए, मैंने ये छोटे से 6 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आधी है, ज़्यादा पूरी मिट्टी नहीं है। तो देखा आपने, ये देखिए कितने छोटे से ये 6 इंच के पॉट हैं। तो ईजी टू ग्रो हैं एंड लो मेंटेनेंस ये प्लांट हैं। तो दोस्तों, आप इसे नॉर्मल जो गार्डन की मिट्टी होती है और उसमें आप गोबर की खाद मिलाएं और इसके सीड आप डाल दें तो वो इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। और दोस्तों, इसे कटिंग से भी आप जर्मिनेट कर सकते हैं, इसे कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग कम से कम आप 6 इंच की कहीं से भी कोई नाजुक सी कटिंग भी ले लीजिए और उसे मिट्टी में काउडंग मैन्यूर के साथ उसे दबाकर छाया में आप रख दें और 2-3 दिन के बाद आप उसे थोड़ी हल्की हल्की धूप दिखाएं तो वो आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आप इसे शीट से और कटिंग दोनों से इसे ग्रो कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका एक सूखा हुआ सा फूल है। तो ये इसका शीट पॉड है, तो इसी में ही इसके शीट्स बनते हैं। तो देखा है आपने, ये जब पूरी तरीके से सूख जाएगा तो इस पर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर दूंगी। मेरे गार्डन में जितने भी शीड हैं उन सब पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। तो ये देखिए कितने खूबसूरत ये लगते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट येलो ये कलर है। अभी बहुत तेज़ धूप भी है तो ये देखिए, मुझे नहीं पता कि कैसे आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, आप इसे पूरे दिन भर की धूप में रखिए और पानी इसे सुबह शाम चाहिए। दोस्तों, एक दिन भी अगर इसकी मिट्टी सूख गई, पानी नहीं दिया, तो इसके जो फूल हैं वो नीचे की ओर मुरझा जाएंगे। तो दोस्तों, आपका पौधा मर सकता है, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें और अपने पौधों को देखें, उनका ध्यान रखें, वो मुरझा ना जाएं, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये मौसम आता है जब फूल खिलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फर्टिलाइज़र की मैं बात करूं तो इसे मैं मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र हफ्ते में एक बार ज़रूर देती हूं, जिससे इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ज़्यादा मैंने इसे बड़ा पॉट नहीं दिया है, इसीलिए इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो डिपेंड करता है, आप इसे जितना बड़ा पॉट देंगे उतना बड़ा और हैवी प्लांट इसका होगा। सो गाइज़, आप अपने गार्डन में इसे ज़रूर ग्रो करिए। और आई होप कि मैंने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन कुछ भी चीज़ें अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे भी उस चीज़ को शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।